हेलो दोस्तों, मैं सतीश और आप देख रहे हो एवरीथिंग बैस के यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अपने वीडियो में कोई डांस की वीडियो हो या फिर कोई पार्टी की वीडियो हो, उसमें आप लीम लाइट कैसे यूज़ कर सकते हो या फिर डिस्को लाइट आप कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको ये वीडियो में मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे आप ऐसी लाइट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा दो तीन लाइट इंडिकेट हो रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई डिस्को में ऐड किया हुआ लाइट है, जैसे जैनमेन लाइट है, बट ये जैनमेन नहीं है, ये सिर्फ एडिटिंग का कमाल है। तो आप भी ऐसे वीडियो आप कैसे बना सकते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। अगर आप प्ले स्टोर वाले काइन मास्टर डाउनलोड करते हो तो इसमें वाटर मार्क शो करेगा, लेकिन ये वाले जो काइन मास्टर है इसमें वाटर मार्क बिल्कुल नहीं शो करेगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में वैसे दो काइन मास्टर का लिंक दिया हुआ है, अगर आपके वीडियो में अगर आपके फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं उसको ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो और सीख भी सकते हो कि कैसे आप अपने काइन मास्टर को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक काइन मास्टर होना चाहिए, तो मेरे पास एक काइन मास्टर है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले काइन मास्टर की ये वाले प्लस वाले आइकन है, उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे दिख रहा होगा एम्प्टी प्रोजेक्ट, ठीक है। एम्प्टी प्रोजेक्ट पे आप जैसे जाओगे कुछ इस तरीके का इंडिकेट होगा। सबसे पहले आपको जो वीडियो आपको ऐड करना है वो वीडियो आप डाल सकते हो, बशर्ते मैं आपको इमेज में करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आप वीडियो शो करना चाह रहे हो तो वीडियो में आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको इमेज में ही ऐड करना है तो इमेज में ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। तो इमेज मैं कुछ इस तरीके का ले रहा हूँ और इस इमेज को इक्वल कर दे रहा हूँ, यानी जो ये भी जैसे वीडियो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, यानी जैसे मैं वीडियो प्ले करके दिखाऊँ, तो ये जो जूम आउट जूम इन हो रहा है ये बंद हो जाए, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, इस फोटो पर क्लिक करना है, यानी इस इमेज पर क्लिक करना होगा, क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह दिख रहा होगा वहाँ पर आपको क्लिक कर देना, ओके। अब यहाँ पे ये प्रोसेस हो गया। अगर आप वीडियो प्ले करके देखते हो तो आपका जो वीडियो है सिंपली चलेगा, यानी ना तो जूम होगा, ना तो जूम इन होगा, ना जूम आउट होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ इसमें मैन इफेक्ट कहाँ से डालना है, ठीक है। तो मैन इफेक्ट डालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लेयर में जाना होगा, ठीक है। लेयर में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा होगा, मीडिया इफेक्ट, ओवरले, टेक्स्ट, हैंडराइटिंग, ठीक है। आपको यहाँ पे ओवरले में जाना है, ओवरले में बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। वैसे आपके काइन मास्टर में नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, गेट मोर पे आप क्लिक कर सकते हैं, इतने सारे ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ आपके काइन मास्टर में सिर्फ क्लासिक स्टिकर होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, गेट मोर पे आप क्लिक कीजिएगा और बहुत सारे ऐसे प्रीमियम क्वालिटी है जो आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके काइन मास्टर में ये चीज़ नहीं आ रहा है तो आप एक काम कीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिम लाइट, इसका नाम है लिम लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिम लाइट पे मैं क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से इंडिकेट होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लाइट है, आप इसमें चूज़ करना है आपको कौन सी लाइट ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये वाला लाइट ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला लाइट ले रहा हूँ तो ये मेरा बैकग्राउंड जो है ना वो चारों तरफ से एक वाइट वाइट सा दिख रहा है, तो इसको मैं ब्लैक करूँगा। तो इसको ब्लैक करने के लिए इमेज पर क्लिक करूँगा, ओके। सबसे लास्ट में जा करके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा, ओके। अब ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। अब इसका जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रहा हूँ, जितनी बड़ी आपकी वीडियो होनी चाहिए उतनी बड़ी आपको कर देनी है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना, जैसी वीडियो है आपकी उस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैं तो कुछ इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे इस पर जाना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मिला लीजिएगा कौन सा आप दीजिएगा, वो आप अपने वीडियो के हिसाब से, ठीक है। अब एक लाइट तो मैंने ऐड कर लिया, अब दूसरी लाइट ऐड कर रहा हूँ। फिर से लेयर में जाना है, उसके बाद ओवरले में जाना है, उसके बाद आपको फिर से लिम लाइट में जाना है, उसके बाद आप एक कलर की सेलेक्ट करना, अगर एक ही कलर चाहते हो तो एक कलर, जैसे जैसे कलर चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर येल्लो ले रहा हूँ, येल्लो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर दे रहा हूँ। और ये जो मैंने येल्लो लाइट लिम लाइट लिया, इसको मैं थोड़ा सा ड्यूरेशन बड़ा कर दे रहा हूँ, ताकि जितनी बड़ी आप मेरी वीडियो होगी उतनी बड़ी ये बन जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा, जैसे लग रहा है कि कहीं कॉर्नर से ये बल्ब जल रही है, ठीक है। बट ये बल्ब जल नहीं रही है, ये एडिटिंग की कमाल है और ये आप भी जानते हो, ठीक है। अब इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा इंडिकेट होना चाहिए, तो इस वाले ऑप्शन पर जाकर इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद एक और लाइट मुझे बीच में चाहिए, तो फिर से लेयर में जाना है, उसके बाद ओवरले में जाना है, फिर से आपको क्या करना है, लिम लाइट में जाना है, उसके बाद कोई सी भी लाइट आप ऐड कर लीजिए जो आपकी पसंदीदा है, ठीक है। मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। फिर से इसमें एनिमेशन डाल दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से इंडिकेट होगा। अब इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी बड़ी कर दे रहा हूँ। अब इसमें ये अगर आप वीडियो प्ले करके देखते हो तो कुछ इस तरीके से इंडिकेट होगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि
सच में कोई लाइट जल रही है और हम वहाँ की वीडियो बना रखा है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, इसमें अगर कोई इंटरनल सॉन्ग अगर इसमें ऐड करना है तो ऑडियो में जाना है। ऑडियो में जाने के बाद आपको कोई से भी सॉन्ग ऐड कर लेने, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी कौन सी सॉन्ग चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो। वैसे मैं कोई सा भी सॉन्ग लेके इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ऐड करने के बाद जितनी बड़ी आपकी वीडियो होगी उतनी बड़ी से आगे वाले जो सॉन्ग है उसको आपको कट कर देना, ठीक है। तो ये आगे वाले भाग को कैसे कट करोगे, यहाँ पे सबसे नीचे में सीजर की ऑप्शन दिख रहा होगा, या कैंची आप कह लीजिए या सीजर कह लीजिए। उसके बाद इस तरफ ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये जो ट्रिम टू राइट, इस पे आपको क्लिक करना, ओके। अब ये कट गया। अगर आप वीडियो आप प्ले करके देख रहे हो तो कुछ इस तरीके से इंडिकेट होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताया लिमलाइट कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो में, या फिर कैसे आप डिस्को लाइट ऐड कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल बना सकते हो अपने वीडियो को, बेसिक से एडवांस कैसे बना सकते हो। तो इस वीडियो में मैं छोटी सी एग्जांपल के तौर पे बताया हूँ। इस वीडियो को सेव करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना होगा आपको, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर शेयर के ऑप्शन दिख रहा होगा वहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर दिख रहा होगा सेव टू गैलरी, इसमें क्लिक कर देना। आपको जैसी वीडियो की क्वालिटी चाहिए उस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो को अपने काइंड मास्टर से, ठीक है। अब यहाँ पे फुल एचडी चाहिए या फिर 4K वीडियो चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं सिंपली एक ये वाला कर ले रहा हूँ जिसके स्पेस 11 MB है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप देखना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप घंटी के निशान को आप दबा लीजिएगा, और कुछ पूछना चाहेंगे तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, साथ में अपनी फैमिली मेम्बर का ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।